अलवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी व सेक्सटॉर्शन मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गैंग द्वारा हर माह करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की ठगी की जाती रही है। बदमाशों ने नेपाल से लेकर कई अन्य देशों के लोगों को भी अपना निशाना बनाया। अलवर पुलिस लगातार साइबर क्राइम के खिलाफ कार्यवाही में अब तक 50 से ज्यादा गैंग को अरेस्ट कर चुकी है। SP तेजस्विनी गौतम ने आज प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फंसाकर ठगी करने के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं। इस मामले में अलवर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती रही है। अब तक 50 से ज्यादा ऐसी गैंगों का पर्दाफाश किया जा चुका है। अब एक बार फिर फर्जी लड़की बनकर ठगी करने वाली गैंग का पता लगने पर SP ने अलवर के राजगढ़ CO अंजलि जोरवाल, थाना अधिकारी विनोद सांवरिया व थाना पुलिस सहित साइक्लोन टीम के साथ CO विकास सांगवान के नेतृत्व में टीम का गठन कर एक डिकॉय ऑपरेशन किया और सेक्सटॉर्शन मामले में एक गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग द्वारा फर्जी सिम व फर्जी अकाउंट के जरिए ब्लैकमेल कर हर माह करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 एंड्रॉइड फोन सिम वे करीब 60,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक बाइक व एक हुंडई कार भी जब्त की गई है। पकड़े गए बदमाशों में अजरुद्दीन, आबिद, जफरुद्दीन, गजेंद्र सिंह, ये सभी दौसा जिले के हैं, वे वसीम खान अलवर का बदमाश शामिल है। यह बदमाश दौसा और अलवर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अभी इनसे और गहनता से पूछताछ में जुटी है। JCIT टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इनके खिलाफ देश में और कहां कहां मामले दर्ज हैं। SP ने बताया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए शिवाजी पार्क थाना SHO को बनाया गया है। देखिए, ये साइबर क्राइम में स्पेशली कैट फिशिंग या सेक्सटॉर्शन जिसे हम बोलते हैं, उस तरीके की वारदातें पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। इसी क्रम में अलवर पुलिस द्वारा पहले भी लगभग पिछले 7 से 8 महीने में पकड़ी गई हैं जो रोलेक्स फ्रॉड या सेक्सटॉर्शन और कैटफिशिंग में इन्वॉल्व रहकर ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे हेरते थे। इसी कारण को आगे बढ़ाते हुए SHO राजगढ़ और साइक्लोन सेल ने ASP नॉर्थ विकास सामान के नेतृत्व में एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय है, जिसमें कुछ विक्टिम जो हैं वो बाहर देशों के जैसे नेपाल वगैरह के भी गैंग को पकड़ा है, जिसके 5 सदस्यों को अभी हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें अजरुद्दीन, आबिद, जफरुद्दीन, गजेंद्र सिंह और वसीम खान को हमने अरेस्ट किया है। ये लोग अश्लील चैटिंग की वीडियो बनाकर विक्टिम्स को, कंप्लेनेंट्स को ब्लैकमेल करते थे कि हम हमारी वीडियो वायरल कर देंगे और उनसे पैसे हेरते थे। फर्जी सिम और फर्जी अकाउंट खोलकर भी देने वाले लोगों को हमने इस गैंग में पकड़ा है। तो इस गैंग में 4 व्यक्तियों को किया है। इसमें इनके पास से जो कैश में राशि मिली है वो लगभग 60,000 रुपये के आसपास है। एक इनके पास 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन और सिम मिले हैं। अलग अलग बैंकों के कुल 9 ATM कार्ड इनसे बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी इनसे बरामद हुई है, जो अभी तक हमने इनसे सीज़ की है। आगे भी अब इनको अरेस्ट किया जाकर आज पेश करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SHO शिवाजी पार्क रहेंगे, जो इसमें इन्वेस्टिगेट करके आगे की कार्रवाई में इनसे पूछताछ करके अगर और भी लोग करते हैं तो उस हिसाब से इस गैंग की तस्दीक की जाएगी और आगे इनको पकड़कर इसमें कार्रवाई की जाएगी।